सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों आप जो है स्मार्ट टीवी में YouTube की वॉच हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप जो है इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको जो है यूट्यूब ऐप ओपन करना है स्मार्ट टीवी में। तो गाइस, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यूट्यूब ऐप ओपन होने के बाद यहां पर लास्ट में जो सेटिंग का ऑप्शन है, आपको जो है इस सेटिंग वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर देना है। यहां पर सेलेक्ट कीजिए, जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको यहां पर फिर राइट साइड में आपको स्क्रॉल करना है। फिर आप यहां पर देख सकते हैं, आपको जो है यहां पर क्लियर वॉच हिस्ट्री आपको जो है इसको सेलेक्ट कर देना है। फिर यहां पर साइड में भी आपको क्लियर वॉच हिस्ट्री इस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर एक बार इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहां पर क्लियर वॉच हिस्ट्री का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ऑल वॉच हिस्ट्री हैज बीन क्लियर्ड। उसके बाद आपको यहां पर क्लियर सर्च हिस्ट्री का ऑप्शन है, आप जो है इसको सेलेक्ट कीजिए। यहां पर इसको सेलेक्ट करने के बाद साइड में आपको यहां पर क्लियर सर्च हिस्ट्री का ऑप्शन है, इस पर सेलेक्ट करना है आपको। यहां पर इसको सेलेक्ट करने के बाद आप जो है एक और बार यहां पर क्लियर सर्च हिस्ट्री पर जो है सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, ऑल सर्च हिस्ट्री हैज बीन क्लियर्ड। तो इसी तरीके से आप जो है स्मार्ट टीवी में जो है यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री, वॉच हिस्ट्री जो है क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।